हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल और आज हम सीखने वाले हैं सोनू निगम का एक लेटेस्ट सॉन्ग आखिरी कदम तक जो कि फिल्म खुदा हाफिज से है मिथुन ने कंपोज किया है बहुत ही खूबसूरत गाना है तो चलिए शुरू करते हैं तो ये जो गाना है आखिरी कदम तक इसके लिरिक्स भी बहुत खूबसूरत है इसकी कम्पोजिशन बहुत खूबसूरत है और सोनू निगम ने भी काफ़ी खूबसूरती से गाया है अब ये एक सैड सॉन्ग है लेकिन इमोशनली अगर आप देखें इसकी मीनिंग को एक कॉम्प्लेक्स गाना है और उसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसे गाना ज़रूरी था इसलिए मिथुन को पता था कि अगर कोई सिंगर है जो इंसाफ कर सकता है इस गाने के साथ तो उसका नाम है सोनू निगम तो ये जो है सैड सॉन्ग है इसके बावजूद आप इसके लिरिक्स को देखोगे काफ़ी पॉजिटिव वर्ड्स कहीं कहीं यूज़ होते हैं और कहीं पर काफ़ी इंटेंस वर्ड्स जैसे कफ़न दफन दुआ से असर है ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स फरिश्तों के शहर ऐसे ये जो वर्ड्स है तो यहाँ पर दो इमोशंस एक साथ जा रहे हैं एक तो ये सैड सॉन्ग है आप फिल्म की सिचुएशन देखी होगी आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है लेकिन कहीं ना कहीं डार्कनेस के अंदर एक रे ऑफ होप है तो अगर आप इसके वर्ड्स को देखोगे जैसे फरिश्तों के रोशन शहर तक अब इस तरीके के वर्ड्स जो है आमतौर पर आपको हैप्पी सॉन्ग्स में सुनने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ पर डार्कनेस uh, के अंदर एक लाइट ऑफ होप है तो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है तो इसको इसी तरीके से गाना इसी थिंकिंग uh, के साथ गाना भी जो है ज़रूरी है जो कि बहुत खूबसूरती से निभाया है सोनू निगम ने इस गाने में वैसे तो ये गाना काफ़ी हाई स्केल पर है लेकिन आपके लिए और मेरे लिए कंफर्टेबल हो इसलिए मैं इसको एक स्केल नीचे लेकर गा रहा हूँ क्योंकि अंतरे में जो है ये काफ़ी हाई जाता है और बहुत प्रॉबिलिटी है कि वहाँ पर जाके आपकी वॉइस से जो है क्रैक हो जाए तो सबके लिए कंफर्टेबल हो इसलिए मैं इसको डी नोट पे गा रहा हूँ तो जैसा कि मैंने पहले कहा ये काफ़ी इंटेंस गाना है लेकिन इसकी शुरुआत तो जो है काफ़ी सॉफ्टली होती है वैसे बहुत ही इमोशंस इस गाने में छुपे हुए हैं लेकिन गाने के स्टार्ट में वो इमोशंस उभर के नहीं आते इसलिए जो है आप इसको गौर से सुनोगे गाने को तो स्टार्ट में जो है वर्ड्स भी इतने इंटेंस नहीं है वर्ड्स भी इतने सैड नहीं हैं आप इसके वर्ड्स देखो स्टार्टिंग में नजरों से करम तक ईमान से धर्म तक हकीकत से लेकर भरम तक वैसे तो सैड सॉन्ग है लेकिन इसको सुन के किसी को लगेगा नहीं कि ये लाइन्स एक सैड सॉन्ग की है तो इसकी शुरुआत में पीछे म्यूज़िक भी नहीं बज रही है तो ये एक नॉर्मली जा रहा है गाना लेकिन एट द सेम टाइम इसमें इमोशंस भी है तो दबे दबे इमोशंस है इसलिए उसी तरीके से को, इसको गाना के जो, जो है ज़रूरी था तो उसी तरीके से सोनू निगम ने गाया है तो यहाँ पर आप देखोगे इसके वर्ड्स इसकी म्यूज़िक इसका अरेंजमेंट इसके कंपोजिशन और इसकी सिंगिंग जो है ये चार पांच चीज़ें हैंड इन हैंड जा रही है एक दूसरे के साथ तो इसकी पहली लाइन देखते हैं <laughs> नजरों से करम तक ईमान से धर्म तक अब यहाँ काफ़ी सॉफ्ट लगाया है कोई हरकत वगैरह यूज़ नहीं किया है हल्का सा वर्ड टू यूज़ किया है सोन ने हमने ने लेकिन वो उनके गाने का स्टाइल है आप अगर चाहे तो कर सकते हैं नहीं चाहे तो नहीं भी करें तो भी ठीक है तो पीछे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बज रहा ना बीट्स बज रहे ना कोई कॉर्स भी नहीं है तो एकदम सॉफ्टली जा रहा है नजरों से करम तक ईमान से धर्म तक तो उसी तरीके से आवाज भी जा रही है कोई हरकत नहीं नजरों से करम ये नहीं हो रहा है यहाँ पे नजरों से करम तक तो इसके नोटेशन देखते हैं साप प ग सरेगा प रे सारे रेगा ये, ये आप लिख सकते हैं लिख ले मैं रिकमेंड करता हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको लिख ले बोलो के साथ और उसकी नोटेशन उसको भी लिख ले साप प ग ग गप प ग रे ग तो ये दो बार है अगली लाइन है हकीकत से लेकर भरम तक प प ग सा रे रे तो काफ़ी सिंपल कॉम्पोजिशन uh, भी है कॉम्पोजिशन को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि इतना सैड सॉन्ग है तो एकदम मेजर नोट्स यूज़ हो रहे है कोई माइनर नोट्स नहीं यूज़ हो रहा कोई कोमल्स स्वर नहीं यूज यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर एकदम सिंपली जा रहा है गाना एकदम सिंपली लेकिन इंटेंस तब होता है जब अंतरा आता है तब uh, कुछ कोमल स्वर लगते हैं कुछ माइनर नोट्स लगते हैं uh, जो कि सैड सॉन्ग को डिनोट सैड फीलिंग को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं आमतौर पर तो इसके अगली लाइन है दुआ से असर तक ये सारे सफ़र तक फरिश्तों से रोशन शहर तक अगेन सेम वॉइस में गाया जा रहा है हल्का हल्का वॉइस मॉडुलेशन है लेकिन बहुत यहाँ पर इस तरीके का इमोशन है कि आप बहुत सारे इमोशंस दबे हुए गाने में लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो रहे तो उसी तरीके से दबी दबी आवाज़ में जो है इसको गाया गया है और धीरे धीरे जो है इमोशंस अनफोल्ड होने लगते हैं जैसे कि वर्ड्स से अनफोल्ड हो रहा है उसी तरीके से कंपोजिशन से भी धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाते हैं और उसी तरीके से पीछे जो म्यूज़िक बचता है वो भी धीरे धीरे इंटेंस होता जाता है तो इसका नोटेशन सेम है लेकिन यहाँ पर क्या है पहले क्या था नज़रों से तो यहाँ पर वहाँ पर क्या था सा यहाँ पर वैसा नहीं है दुआ से असर तक तो यहाँ पर सीधा पर से शुरुआत हो रही है पप गर सरे ग पप गर ग दुआ से असर तक ये सारे सफर तक यहाँ हल्की सी हरकत है चाहे तो आप डाल सकते हैं नहीं भी डाले तो ठीक है लेकिन डाले तो और थोड़ा खूबसूरत लगेगा के रोशन शहर तक सारे का सारे यहाँ पर देखोगे आप सॉफ्ट वॉइस यूज हो रही है और नॉर्मल वॉइस में गाया जा रहा है कोई बहुत ज्यादा हरकतें वगैरह गाय की नहीं यूज की है और साथ ही साथ क्या है वर्ड्स को तोड़ तोड़ के गा रहे हैं ये सारे सफर तक फरिश्तों से रोशन शहर तक तक ये नहीं है शहर तक शहर तक ऐसा नहीं हो रहा शहर तक तो यहाँ तक जो है एकदम नॉर्मल वर्ड्स यूज हो रहे हैं अभी यहाँ से धीरे धीरे जो है अगले लाइन से आ, थोड़े सैड सा, वर्ड्स है आंसू से जशन तक जन्मों से जन्म तक तो यहाँ पर कंपोजिशन भी चेंज हुई है इसलिए मैंने कहा कि कंपोजिशन वर्ड्स म्यूजिक सब एक साथ जा रहे हैं यहाँ पर कंपोजिशन चेंज हुई और यहाँ पर गाय की भी थोड़ी चेंज हुई से जशन तक यहाँ देखो स्क्रैच यूज़ किया आंसू से हरकतें ज़्यादा यूज करने लगे जशन तक विट है जन्मों से जन्म तक देख रहे हो अब यहाँ पर सहरे को सजा के कफन तक अब ये कफन वो जैसे बहुत ही इंटेंस वर्ड है बहुत कम सुनने को मिलता है ऐसे किसी भी गाने में तो बहुत ही इंटेंस गाना है इसलिए खास करके सोनू निगम के इस गाने के लिए चूज़ किया गया तो पहले इस लाइन के नोटेशंस देखते हैं से जशन तक साधा ध प ग पाग ध प म प पागा, पागा। अबे मैं मैं यहाँ पर जेनरिक नोटेशंस दे रहा हूँ बारीक बारिक, -बारिक हरकतों के नोटेशंस नहीं दे रहा वो आप अपने हिसाब से भी वेरिएशंस ले सकते हैं ये मैं बेसिक जो मेलोडी है जो स्केलेटन है गाने का वो आ, वही नोटेशंस आपको दे रहा हूँ साध ध पा मा पा ग साध ध पा मा पा ग तो आप यहाँ पर अपने अपने वेरिएशन्स ले सकते हैं हर कोई अपने अपने हिसाब से साधा ध पा ऐसे भी हो सकता है तो अलग अलग वेरिएशन्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं आप सोन निगम का भी वेरिएशन जो है ले सकते हैं और अपने भी वेरिएशन अलग से डाल सकते हैं या फिर चूज कर सकते हैं कोई भी वेरिएशन नहीं डालना ठीक है तो अगली लाइन क्या है शहर को सजा के कफन तक तो यहाँ पर देखिए कफन तक बहुत ही इंटेंस वर्ड है बहुत ही इंटेंस लाइन है तो इसके साथ जो है वॉइस का टेक्सचर भी यूज सॉरी वॉइस का टेक्सचर भी चेंज किया है सोनू निगम ने तो सोनू ने की खासियत ही रही है इतने सालों से कि वो हमेशा री इन्वेंट करते रहते हैं अपने आप को इसलिए इतने 25-30 सालों से वो सर्वाइव कर रहे हैं इंडस्ट्री में और हर साल उनका कोई ना कोई एक मास्टरपीस ऐसा गाना आता है क्योंकि वो जानते हैं कि टेक्सचर्स के साथ कैसे खेलना है और कैसे उसको अपने गाने में यूज़ करना है तो यहाँ पर एक अलग ही टाइप का टेक्सचर उन्होंने यूज़ किया है शहर को सजा के कफन तक देख रहे हैं। तो इसका नोटेशन मध दी सारे रे और एक और ज़रूरी चीज़ है ये यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो है सोनू निगम के काफ़ी बढ़िया है कफ़न जैसे हकीकत उसको इतने साफ़ तरीके से प्रोनाउंस किया है तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है वो आप सीख सकते हैं इस गाने से सोनू निगम से हकीकत कफ़न तो ये जो है इस तरीके से प्रोनाउंस करना जो है ज़रूरी है तो इसके बाद लाइन आती है जो कि टाइटल है इस गाने का तेरे संग हूँ आखिरी कदम तक तो ये जो है तीन बार रिपीट हो रही है दो बार लोअर ऑक्टो में है तीसरी बार जो है हायर ऑक्टो में है तो ये काफ़ी हाई है कुछ लोगों के लिए हाई हो सकता है इसलिए मैंने आ, नीचे लिया है तेरे संग हूँ आखिरी कदम तक तेरे संग हू आखिरी कदम तक सा सागर रे सानी सा नी धनी सागर सानी सा तो यहाँ पर जो है सोनू निगम ने अपने तरीके से बहुत ज्यादा तो वेबराइटो वो हरकतें इस गाने में इस लाइन में भी यूज किया है तेरे संग हूँ आखरी आखरी कदम तक तेरे संग कदम तक तो विब्राइटो जो है इस गाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सोनू निगम किसी भी गाने में ज़्यादा इमोशंस डालने के लिए दर्द डालने के लिए जो है विबराइटो का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको पता नहीं विब्राइटो कैसे लिया जाता है तो मेरा दूसरा वीडियो है हाउ टू सिंग विब्राइटो उस पर जाकर आप देख सकते हैं और इसके बाद जो है सेम लाइन हायर ऑक्टो में है तेरे संग आखरी कदम तक तो यहाँ पर विबराइटो तो ऊपर भी है तेरे और अलग तरीके की वॉइस टेक्चर है जो कि इस गाने में बहुत काफ़ी हाइट के यूज़ किया है तेरे संग हूँ आखिरी कदम तक और इसके नोटेशन जो है सेम है जैसे लोअर ऑक्टो में है वैसे ही हायर ऑक्टो में सान दी सा सानी सा सा अब इसके बाद अंतरा आता है अब अंतरे की खासियत ये है कि यहाँ पर एक लाइन जो है एक बहुत ही सैड इंटेंस है और दूसरी लाइन जो है एक होप की है तो यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है या एकदम डार्क लाइन और उसके बाद जो है होप दिखता है कहीं पर तो इस singing में भी वैसा ही हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। hmm, ये रात काली ढल जाएगी अब यहाँ पर उल्फत की होगी फिर से सुबह अब ये ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है सुरों के हिसाब से भी और इमोशंस के हिसाब से भी अब यहाँ पर पहले के वर्ड्स देखोगे ये रात काली ढल जाएगी और उसके बाद क्या वर्ड्स हो रहे उल्फत की होगी फिर से सुबह तो यहां पर पॉजिटिव वर्ड्स है तो आवाज में भी जो है एक होप है होप है। हैप्पी नहीं है होप है उल्फत उल्फत की होगी फिर से सुबह और इस लाइन के नोटेशंस क्या है नी सारे नी सा गे सा गे सा तो ये आप लिख सकते हैं उल्फत होगी फिर से सुबह ध न सा न प मा ग मा ग अब यहाँ तक ठीक है और आ, 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 यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड नोट्स लग सकते हैं आपको धनी नि ध प म रे ग ध ध धनी ग ध ध धनी ग कोमल ग यहाँ पर कोमल ग शुद्ध ग तीव्र म कोमल धा शुद्ध और शुद्ध नी ऐसे नोट्स जा रहे हैं अगर आपने मिस कर दिया तो इसको रिवाइंड करके फिर से सुनिए और उसको लिखिए उल्फत के होगी फिर से सुबह इसके नोट से कोमल घ शुद्ध घ तीव्र म कोमल ध शुद्ध ध उसके बाद नी अब नी से इसकी नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसको आप रिवाइंड करके फिर से देखिए और अच्छे से लिख लीजिए और गाने में फिर से सुनिए और मैं जो गा मैंने जो गाया उसको भी सुनिए फिर आपको समझ आ जाएगा और इसकी अगली लाइन है जिस देश दर्द पले है मिलूँगा वहा अब यहाँ पर सेम चीज़ है पहली लाइन काफ़ी इंटेंस है जिस देश दर्द पले जिस देश ना दर्द पले तो यहाँ पर जो है सोनू निगम की किस्म की एक हरकत है एक रेट्रो फील आता है इस हरकत के साथ तो ये सोनूगेम की आवाज़ की खासियत है तो आप ले सकते हैं वो हरकत या फिर नहीं भी ले सकते तो ये सोनू को काफ़ी सूट करते हैं तो हो सकता है कि आपके वॉइस को ना सूट करे तो आप इसको ऐसे भी लेके जा सकते शुरू को ज़रूरी नहीं है तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए नहीं करते तो आ, सिर्फ सुरों के साथ जाइए तो सुर कैसे जा रहे हैं नी सा रे नी सा ग रे सा रे सा निध धा न ऐसे भी कर सकते हैं। आ, 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 आ। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इट्स योर चॉइस अगर आप कर सकते हैं और आपकी आवाज़ को सूट हो रहा है तो आप इस तरीके की जो है हरकतें भी यू यूज़ कर सकते हैं नहीं भी करते तो ठीक है अल्टीमेटली क्या है आपको इमोशंस जो है फील करने हैं गाने के समझने हैं और इसके हिसाब से गाना है तो अगर आप इस तरीके की हरकतें डालते हो तो गाना थोड़ा और इंटेंस लगेगा और थोड़ा इमोशनल लगेगा और अगली लाइन है, है तुझसे मिलूंगा मिलूँगा अब ये गाना जो है ये ट्यूटोरियल जो है इसमें मैंने गाने का भाव ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि एक एक वर्ड को कैसे एक्सप्लेन करना है मैं ये एक्सप्लेन ये बता चुका हूँ अगर बाकी के वीडियोज़ में तो यहाँ पर एक अलग एंगल से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है लेकिन आप अगर ख़ुद से भी सुने तो सोनू निगम जो है इतने अच्छे से इमोशंस यूज़ करते हैं आप ख़ुद से भी सुने तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एमोशन, उन्होंने इमोशंस यूज किए तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल में उस गाने का भाव क्या है और किस तरीके से उसको फील करना है किस तरीके से सोचना है उस गाने के बारे में ये ये, ये आपको ज़्यादा पताया है तो इस लाइन को अगर आप देखोगे विलूँगा अब यहाँ पर एक एक वर्ड को आप अगर आप देखोगे जैसे मैं बाकी के वीडियोस में बताता हूँ यहाँ पर ये है मैं तुझसे 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 नहीं किया तुझसे मतलब तुझसे ऐसे पॉइंट करके बताया है अपनी आवाज के साथ तुझसे मिलूंगा वहाँ अब ये इस तरीके से सोनू निगम ने गाया है ये उनका स्टाइल है मिलूंगा वहाँ कि एक प्रॉमिस हो, हो रहा है यहाँ पर मिलूंगा वहाँ और एक सैड है लेकिन फिर भी एक रे ऑफ होप है और हल्की सी पॉजिटिविटी है तो ये, इस तरीके से सोनू निगम ने इसको सोच के गाया है तो ये एक जीनियस की निशानी है कि कितना कॉम्प्लेक्स एक गाने को उन्हें कितनी खूबसूरती से पेश किया है और अगली लाइन है जख्मों से मरहम तक जुदा से मिलन तक। नोटेशन क्या है? मा पाग साधा धा पामा ग तो जैसे कि मैंने पहले बताया मैं सिर्फ स्केलेटन दे रहा हूँ उस कंपोजिशन uh, का तो वेरिएशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ये सोने में कह जुदा से जुदा से मिलन तक तो ये वेरिएशन जो है अपने अपने हिसाब से जो है ऑप्शनल है आप डाल सकते हो अपने फील के हिसाब से अपने आवाज़ के हिसाब से तो अब आई एम श्योर कि ये गाना होने के बाद ये गाना डालने के बाद आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि, कि हरकतें कैसे लाए अपने आवाज़ में तो इस गाने में हरकतें काफ़ी है तो देखिए हरकतें लाने का एक ही तरीका है कि आप आ, आ, अच्छे से पलटों का वगैरह रियाज़ करो तो धीरे धीरे जो है आपकी आवाज़ डेवलप होती जाएगी हरकत तो लेने का कोई ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि ऐसे बता दियो और एक महीने में जो है आपका वॉइस जो है आप हरकतें लेने लग जाओगे हरकतें कैसे आती है अगर आपका गला फ्लेक्सिबल है तो हरकतें आ जाती है तो गला तैयार होना अल्टीमेटली ज़रूरी है तो गल गला कैसे तैयार होता है आपको गमक का रियाज़ करना पड़ेगा अच्छे से आपको पलटों का रियाज़ करना पड़ेगा जिससे कि आपका गमक जो है डेवलप हो तानों का रियाज़ करना पड़ेगा तो ये चीज़ें जो ज़रूरी है आ, करना अगर आपको अपने गले में हरकतें लानी है तो और अगली लाइन है डोली में बिठा के दफन तक तो इससे पहले जो है थी लाइन सहरे को सजा के कफन तक तो ये कफ़न और दफन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वर्ड है तो इस उनको इसी तरीके से गाया है दोनों लाइनों को डोली में बिठा के दफन तक तो यहाँ पर फिर से एक इंटेंस किस्म का वॉइस टेक्सचर उन्होंने यूज़ किया है काफ़ी अलग तरीके का आप चाहे तो उस वॉइस टेक्चर में गा सकते हैं मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने हिसाब से गाएं कि आपकी आवाज़ को क्या सूट कर रहा है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस करके गा सकते हैं और किस तरीके का वॉइस टेक्चर आप अपना यूज़ करके गाने को और इंटेंस बना सकते हैं और इसका नोटेशन है धनी सा सारे रे और उसके बाद फिर से जो है उसकी जो टाइटल लाइन है जो है तेरे संग आखिरी कदम तक तो इसको फिर से सॉफ्ट वॉइस करके फिर से जो है इंटेंस करने के लिए काफ़ी सारी हरकतें हैं और वे तो उसके साथ है और उसी लाइन को जो है फिर से हायर ऑक्टो में संग है तेरे कदम तक तो यहां पर जो हायर ऑक्टो में गाते हैं तेरे निगम तेरसंग आखरी कदम तक तो ये तक जो है तक तो हल्का सा जो है सुर से हट भी जाता है अगर आप गौर से सुनोगे उस गाने को ये इंटेंशनली किया है उन्होंने ताकि एक और जो है रोने का फील आए तो ये एक जैसे चिल्लाते हैं जैसे अभी मुझ में कहीं में सोन निगम ने गाया है अब है लेकिन उसमें अलग तरीके का वॉइस स्ट्रक्चर यूज़ किया है अब आठ साल पुराना गाना है वो यहाँ पर एक अलग तरीके का वॉइस स्ट्रक्चर यूज़ किया है लेकिन स्क्रीमिंग का जो फील है अंदर से एक दर्द आ रहा है दुख आ रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग तरीके का जो है तरीका अपनाया है इस बार सोनू निगम ने तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैंने आपको इस गाने के नोटेशन से दे दिए हैं आप इस वीडियो को फिर से सुन के जो है नोटेशंस लिख लीजिए लाइन लिखिए और उसके हिसाब से नीचे नोटेशन उसके लिख लीजिए और आ, मैंने इस गाने का क्या थॉट प्रोसेस क्या है इस गाने को गाते वक्त क्या कौन सा थॉट प्रोसेस फॉलो करना है और उस हिसाब से अपनी वॉइस को कैसे अडेप्ट करना है आ, ताकि आप बिना सोनू निगम को कॉपी करें भी आ, एक अच्छे तरीके से आ, एक्सप्रेस कर पाओ गाने को तो वैसे तो मैंने सोना के स्टाइल में आपको एक्सप्लेन किया है लेकिन मैंने इस गाने का जो है भाव जो है ओरिजिनल भाव जो है और किस लाइन पे आ, किस तरीके से एक्सप्रेस करना एक्सपेक्टेड है इस गाने में किसी भी जो सॉन्ग राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो वो किस तरीके से एक्सपेक्टेड है वो आपको बताने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में तो आज के लिए फिलहाल इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए कि और किन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊँ बहुत बहुत शुक्रिया मेरा यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच